ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल एंड ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन्स गैसेज ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिवली कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेज आर इक्वल इन बोध द पाइप कंप्रेसिबिलिटी या बल्क मॉडल्स जो है वो कह रहे हैं कि दोनों पाइप में बराबर है बल्क मॉडल दोनों पाइप में बराबर है गैसेज का बुद्ध द पाइप आर वाइब्रेटिंग इन दियर फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रिक्वेंसी दोनों की फर्स्ट ओवरटोन जो है वो सेम है एक क्लोज पाइप था और एक ओपन ओपन पाइप है क्लोज पाइप की लेंथ एल थी ठीक है तो ओपन पाइप की लेंथ क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं ठीक जरा समझिए एक क्लोज पाइप बना ले क्लोज पाइप बना लेते हैं क्लोज पाइप है ठीक और एक ओपन पाइप है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है इसकी लेंथ पता है एल इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है मैं इसको एल डैश कह देता हूं ठीक है इसके अंदर जो गैस की डेंसिटी है वो है रो वन इसके अंदर जो गैस की डेंसिटी है वो है रो टू बल्क मॉडल दोनों का बराबर है इसका भी बीटा कह देते हैं और इसका भी बीटा कह देते हैं और दोनों बोथ फाइव्स आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रिक्वेंसी दोनों की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी सेम है तो इसकी फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी तो वो हो जाएगी थ्री टाइम्स वी बाई फोर एल v बाई फोर एल फोर एल तो मैंने ये लिखा v कितना होगा v होगा अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी रो वन अंडर रूट बीटा बाई रो वन ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी भी कौन सा ओवरटोन है ये फर्स्ट ओवरटोन तो इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो जाएगा टू टाइम्स वन बाई टू एल एल हो गया एल डैश इंटू विलोसिटी विलोसिटी होगा बीटा बाई रो टू ये कह रहे हैं अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी अंडर रुट बीटा से अंडर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इस टू से ये टू चला गया तो यहाँ से आपका आया थ्री बाई फोर एल इस रो टू से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर के अंदर रो टू अपॉन रो वन और ये आपका आ रहा है वन बाई एल डैश के बराबर हैंस एल डैश इज पूरा पलट देंगे तो आ जाएगा फोर एल बाई थ्री अंडर रो वन बाई रो टू सो योर आंसर इज सी पार्ट क्लियर ए स्ट्रेज रोप हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ फाइव इंटू टेन फोर माइनस टू के जी पर मीटर ठीक है एक रोप है उसकी लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है और उसके अंदर का टेंशन दिया है कि उसके अंदर अस्सी न्यूटन का टेंशन है द पावर दैट हैज टू बी सप्लाइड टू द रोप टू जनरेट टू जनरेट हार्मोनिक वेव्स एट ए फ्रीकवेंसी ऑफ सिक्सटी हर्ट्ज एंड एट ए एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ सिक्स सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, कितनी पावर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आ, वो जो वेव्स हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिंपल हार्मोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकें जिनका एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास है मास पर यूनिट लेंथ म्यू है आपके पास 5 इंटू टेन एस पावर माइनस टू के पर मीटर और आपके पास स्ट्रिंगर टेंशन है 80 न्यूटन और आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है कि साठ हर्ज की हमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोड्यूस करनी है जिनका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है एम्पलीट्यूड जो है वो 6 सेंटीमीटर यानी मीटर एम्पलीट्यूड है तो ये पूछ कितनी हम हमें, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी तो सीधे पार का फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ एवरेज एनर्जी एवरेज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका एस है और वी वेलोसिटी से वेव ट्रैवल कर रही है तो एस इंटू वी के बराबर एक सेकंड में वॉल्यूम वेव का क्रिएट हो जाएगा और ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो ये टोटल बन गई एनर्जी पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम का ही फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम ही क्या होती है पावर होती है फिर से समझ लीजिए ये जो लिखा है ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और अगर वेव जो है वो एस एरिया के एस क्रॉस सेक्शन एरिया में ट्रेवल कर रही है पाइप में माले कोई पाइप है कोई स्ट्रिंग है कुछ भी है ठीक है उसमें एस क्रॉस सेक्शन एरिया में वेव ट्रेवल कर रही है और वेव की वेलोसिटी वी है तो एक सेकंड में कितना वेव कितना वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जो कि वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो वो होगा एस इंटू वी ठीक है वॉल्यूम पर सेकंड अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन ए टू वी टू तो ए वन वी वन ए टू वी टू ये सब क्या होते थे ये होते थे वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम पर सेकंड कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है तो वही एरिया इंटू वेलासिटी है ये वॉल्यूम पर सेकंड एक सेकंड में कितना वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा वो है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है वॉल्यूम पर सेकेंड तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी एनर्जी पर यूनिट टाइम एनर्जी पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू पार तो ये फॉमूला है ठीक अब यहां समझिए रो और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू बन जाएगा ठीक है तो यही फॉर्मूला क्या बन गया आपका ये बन गया हाफ म्यू ओमेगा ओमेगा कितना होगा तो ओमेगा होगा टू पाई एफ का स्क्वायर इंटू एम्पीट्यूड आपको पता है ए स्क्वायर इंटू वी v की जगह क्या लिखेंगे हम v की जगह ले सकते हो आप अंडरू टी बाई म्यू क्लियर तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें सारी वैल्यूज उठा उठाकर डालनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर मिलेगा इसमें जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा आपको सी पार्ट के आसपास क्लियर पाई स्क्वायर आएगा एक जगह पाई स्क्वायर आएगा जब ये पाई स्क्वायर है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप टेन डाल सकते हो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या डाल सकते हो टेन उससे आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप टेन डाल के कैलकुलेट करोगे तो इसकी पाँच की जगह कुछ पांच के आसपास आएगा बट इतना कोई वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे आंसर तो बहुत दूर दूर हैं कोई फोर है कोई टू है कोई थ्री है, है तो आपका इतना आंसर चल जाएगा बाकी कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अंडर रूट बहुत आराम से सेटल हो जाएगा ठीक है बाकी कहीं कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी ए पर्सन स्पीकिंग नॉर्मली प्रोड्यूस ए साउंड इंटेंसिटी ऑफ 40 डेसिवेल एट ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ठीक है अगर पर्सन नॉर्मली स्पीक कर रहा है तो एक मीटर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो 40 डेसेवेल है क्लियर तो हम उसकी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ठीक है तो फोर्टी डेसेवल से हम इंटेंसिटी पहले फाइन करेंगे एक मीटर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी ठीक है तो बीटा इज इक्वल टू होता है डेसेवेल में जो लाउडनेस होती, होती है वो टेन टाइम्स लॉग आई अपॉन आई नोट बीटा जो है वो आपको दिया 40 डेसिबल तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आई अपॉन आई नॉट जो आपका आएगा वो टेन की पावर फोर आ जाएगा यानी जो इंटेंसिटी आ रही है पर्सन की वो है आई नॉट टाइम्स टेन की पावर फोर चाहो तो आप आई नॉट की वैल्यू डाल सकते हो चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि को कोई दिक्कत नहीं है वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ठीक तो ये इंटेंसिटी है एक मीटर डिस्टेंस में ठीक अगर पर्सन की पावर पी है पी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो बोलने से तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये पी अपॉन एरिया फोर पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है पर्सन का जो मुंह है उसको हम पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और उससे निकलने वाली साउंड चारों तरफ ट्रेवल कर रही है तो पी अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर और डिस्टेंस आपको दिए वन मीटर तो ये इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आप पार का पार बता सकते हो कितनी पार की वैल्यू हो जाएगी पी इजल टू आपका हो जाएगा फोर पाई इंटू आई नॉट इंटू टेन की पावर फोर वॉट इतनी पावर जो है वो पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी पूछ रहे हैं कि अगर इफ़ द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी फॉर रीजनेबल ऑडिबिलिटी ठीक है मतलब थ्रशोल्ड इंटेंसिटी सॉरी थ्रशोल्ड इंटेंसिटी फॉर रीजनेबल ऑडिबिलिटी या मतलब अगर आपको ढंग से सुनाई दे जाए उसकी जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो 20 डेसिबल है यानी 20 डेसिबल है तो आप उसको ढंग से सुन पाओगे कि क्या बात चल रही है क्या कह रहा है ये सुन पाओगे उससे ज़्यादा कम हो जाएगी तो आप नहीं ढंग से समझ पाओगे कि क्या बात हो रही है ठीक है तो मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द पर्सन कैन बी हर्ड क्लियरली तो बताओ कितनी दूर तक उस पर्सन को हम सुन सकते हैं क्लियर ये बात समझ में आ रही है ठीक तो यह तो हो गई पार अब कह रहे हैं अगर ट्वेंटी डेसीबेल जो है वो थ्रेश इंटेंसिटी तो जरा उससे इंटेंसिटी हम निकालेंगे कितनी इंटेंसिटी होगी हो जाएगी ठीक है तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करते हैं यहां लिखेंगे ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन लॉग मान लिया वहां पे इंटेंसिटी आई डैश अपॉन आई नॉट तो यहां से जो आई डैश आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है टेन की पावर टू इंटू आई नॉट इतनी इंटेंसिटी तक हम सुन पाएंगे और ये जो इंटेंसिटी होगी ये हो जाएगी पार अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर हमें तो डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस आर निकालेंगे ठीक है सारी वैल्यू डालते हैं अब हम तो ये है टेन की पावर टू आई नॉट और पी जो है वो है आपका फोर पाई आई नॉट इंटू टेन की पावर फोर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर स्क्वायर जो आपका आ रहा है वो हंड्रेड आ रहा है इसका मतलब आर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दस मीटर यानी दस मीटर तक आप उस पर्सन को ढंग से सुन पाओगे दस मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी फिर आपको नहीं सुनाई पड़ेगी ठीक हमने कैसे निकाला ढंग से समझिए हमें दिया था एक मीटर पर लाउडनेस दी थी तो लाउडनेस की हेल्प से हमने इंटेंसिटी निकाली और इंटेंसिटी और डिस्टेंस की हेल्प से हमने पार निकाली ब्लू समझ लो आप हमें एक मीटर डिस्टेंस पर लाउडनेस दी हुई थी तो लाउडनेस की हेल्प से हमने क्या निकाली इंटेंसिटी और इंटेंसिटी की हेल्प से हमने निकाली पार क्योंकि डिस्टेंस तो आपको पता ही थी ठीक अब कह रहे हैं कि बीस डैसीवेल तक हम सुन सकते हैं तो हमने देखा कि बीस डेसेवेल पे इंटेंसिटी कितनी होगी तो वहां से हमने इंटेंसिटी निकाली और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पार पर यूनिट एरिया पार अपॉन एरिया तो उस इंटेंसिटी को पार अपॉन एरिया डाला एरिया में हमने फोर पाई आर स्क्वायर डाला ये आर ही आपको फाइंड करनी थी डिस्टेंस ही आपको फाइंड करनी थी पार की वैल्यू ऊपर से के डाल दी काफी कैंसिल आउट हो गई और सोनो मीटर वायर हैज एंथ ऑफ वन हंड्रेड फोर्टीन सेंटीमीटर बिटवीन टू फिक्स एंड दो फिक्स एंड के बीच की लेंथ दी है एक सौ चौदह सेंटीमीटर पूछ रहे हैं वेयर शुड टू ब्रिजेज बी प्लेस्ड सो एज टू डिवाइड द वायर इंटू थ्री सेगमेंट्स और उनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज वन थ्री फोर के रेशियो में हूँ ठीक है बना लेते हैं ये मान लिया आपका सोनोमीटर वायर है एक एंड इसका ये है और एक एंड इसका ये है और उसके बीच में हमने दो सोनोमीटर जो है वो ब्रिजेज रखे हुए हैं इस सोनोमीटर वायर के बीच में दो ब्रिजेज रखे हुए हैं एक ब्रिज हमने यहाँ लगा दिया है और एक मान लिया ब्रिज मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे ही रेंडमली रखे हुए हैं तो जहाँ आपने रख दिया वहाँ नोड बन जाएगा यहाँ भी आपने रख दिया नोड बन जाएगा तो एक स्ट्रिंग ये होगी लेंथ एल वन एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी एल टू और एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी एल थ्री इन तीनों का सम एक सौ चौदह सेंटीमीटर है टोटल जो लेंथ है वो है एक सौ चौदह सेंटीमीटर और इनकी फ्रिक्वेंसीज का रेशियो वन थ्री फाइव दिया यानी अगर इसमें फ्रिक्वेंसी एफ वन है इसकी फ्रिक्वेंसी एफ टू है और इसकी फ्रिक्वेंसी एफ थ्री है तो इनका रेशियो वन थ्री फाइव दिया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज होंगी तो एफ वन कितनी आ जाएगी तो एफ वन आ जाएगी वी अपॉन टू एल वन एफ टू कितनी आ जाएगी वी अपॉन टू एल टू समझ में आ रहा होगा आपको और एफ थ्री जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी वो आ जाएगी वी अपॉन थ्री एल थ्री इसका मतलब फ्रिक्वेंसीज का रेशियो किसके बराबर हो रहा है एफ वन इज टू एफ टू इज टू एफ थ्री ये जो रेशियो है आपका ये आपका आ रहा है वन बाई एल वन इज टू वन बाई एल टू इज टू वन बाई एल थ्री और ये आपका हो रहा है वन थ्री फोर के बराबर ठीक है वन थ्री फोर के बराबर इतनी बात क्लियर है ये रेशियो है इनका तो लेंथ फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहीं से यही तो पता लग रहा है तो लेंथ का अगर रेशियो पूछा जाएगा एल वन इज टू एल टू इज टू एल थ्री का रेशियो पूछा जाएगा तो ये आपका आ जाएगा वन बाई वन वन बाई वन सॉरी वन बाई वन इज टू वन बाई थ्री इज टू वन बाई फोर अब इसमें ऐसा करते हैं इसमें हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे आप ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व इस टू फोर इस टू थ्री ठीक हमें लेंथ बतानी है तो पहली लेंथ अगर हम निकालेंगे पहली लेंथ तो वो जाएगी ट्वेल्व अपॉन टोटल सम कितना हो जाएगा टोटल सम हो जाएगा आपका नाइनटीन इंटू वन हंड्रेड फोर्टीन तो ये आपकी आ गई पहली लेंथ क्लियर दूसरी लेंथ निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी फोर अपॉन नाइनटीन इन वन वन फोर और तीसरी लेंथ आपको निकालनी ले होगी तो ये हो जाएगी थ्री अपॉन नाइनटीन इंटू वन वन फोर क्लियर है ये आपको समझ में सबसे पहले हमने क्या लिखा हमने मान लिया कि वो हमने मान लिया कि आ, लेंथ एल वन एल टू एल थ्री है फ्रीक्वेंसी एफ वन एफ टू एफ थ्री है तो फ्रीक्वेंसी तो और जो लेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है तो फ्रीक्वेंसी का अगर रेशियो वन थ्री फोर फोर दिया है तो लेंथ का रेशियो हो जाएगा वन बाई वन इज़ टू वन बाई थ्री इज़ टू वन बाई फोर और टोटल लेंथ उसको इस रेशियो को प्रॉपर करने के लिए हमने इनके एल सी एम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो बन गया ट्वेल्व फोर थ्री और टोटल लेंथ दी है एक सौ वन हंड्रेड फोर्टीन एक सौ चौदह दी हुई है तो पहला हिस्सा जो होगा वो हो जाएगा 12 अपॉन टोटल इंटून हंड्रेड दूसरा हिस्सा हो जाएगा 4 अपॉन टोटल इंटू वन और तीसरा हिस्सा हो जाएगा 3 अपॉन टोटल इंटू वन अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से ये कैंसिल आउट होगा सिक्स टाइम्स तो पहली लेंथ आ गई आपकी 72 सेंटीमीटर इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे सिक्स टाइम्स तो दूसरी लेंथ आ गई आपकी ट्वेंटी सेंटीमीटर और इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे सिक्स टाइम तो तीसरी लेंथ आ गई आपकी एट्टीन सेंटीमीटर तो ये रेशियो हो जाएंगे सेवेंटी टू इज टू ट्वेंटी फोर इज टू एटीन सो योर आंसर इज ए पार्ट एन ओपन पाइप इज इन रेजोनेंस एन ओपन पाइप इज इन रेजोनेंस इन इट्स सेकेंड हारमोनिक विथ ट्यूनिंग फोर को फ्रीक्वेंसी एफ वन एफ वन के साथ सेकेंड हारमोनिक में एक ओपन पाइप है वो रेजोनेंस में है ठीक नाउ इट इज क्लोज एट वन एंड अब इसको हमने बंद कर दिया

यानी F1 की वैल्यू पता लग गई वी वाई एल के बराबर आ रही है अब हमने क्या किया इस ओपन पाइप को हमने बंद कर दिया एक साइड से अब तो ये बन गया क्लोज पाइप अब इसमें जो फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी वी बाई फोर एल होगी फंडामेंटल उसके बाद होगी थ्री वी बाई फोर एल उसके बाद होगी फाइव वी बाई फोर एल उसके बाद होगी आपकी सेवन बी बाई फोर एल इस तरह की फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी ठीक अब ये कह रहे हैं अब हम अब हमारी वी वाई एल के साथ तो रेजोनेंस आएगा नहीं एफ वन फ्रिक्वेंसी थी उसके साथ तो रेजोनेंस आएगा नहीं क्योंकि वीवाई एल तो कहीं है ही नहीं तो अब हमने रेजोनेंस लाने के लिए इस f1 को बढ़ाया f1 की फ्रीक्वेंसी को हमने ट्यूनिंग फोर की फ्रिक्वेंसी को f1 से बढ़ाया तो f1 से जब हम बढ़ाएंगे तो अब रेजोनेंस हमारा f2 में मिलेगा अब आप जरा देखिए कि वीवाई एल से अगर हम वैल्यू बढ़ाएं इसकी वी वाई एल से वैल्यू बढ़ाएं तो वी वाई एल से अगली वैल्यू कौन सी है जिसमें रेजोनेंस मिल जाएगा तो वो ये फाइव वी वाई फोर एल ये वन पॉइंट टू फाइव वी वाई एल है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉइंट सेवन फाइव वी एल है वीवाई एल ये तो छोटी हो गई वैल्यू वी बाई एल से जो अगली वैल्यू आ रही है वो आ रही है वन पॉइंट टू फाइव वी बाई एल तो ये वो वैल्यू है जिस पर फिर से रेजोनेंस मिलेगा और इसका नाम एफ टू है अब आप एफ वन और एफ टू में रिलेशन लिखोगे तो एफ टू को डायरेक्ट कह सकते हो कि ये फाइव बाई फोर टाइम्स क्या है एफ वन के बराबर है और दूसरी बात पूछा जा रहा है ये कौन सा हार्मोनिक है एनथ हारमोनिक तो ये फिफ्थ हारमोनिक है इसके लिए इसके लिए कौन सा हार्मोनिक फिफ्थ हारमोनिक ये फर्स्ट हारमोनिक है ये थर्ड हारमोनिक और ये कौन सा है फिफ्थ हार्मोनिक सर इज सी पार्ट इफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूनल वेव इक्वल टेन टाइम द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर्स वेव इन इन ए स्ट्रेस्ड वायर ऑफ मेटेरियल हुटी इज ई ये यंगलर्स आपको दिया हुआ ठीक है और कह रहे हैं लॉन्गिट्यूनल वेव की जो स्पीड है वो दस गुना है ट्रांसफर्स वेव की स्पीड से तो जरा देखिए लॉन्गिट्यूनल वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट गामा बाई रो ये है लॉन्गिट्यूनल वेव की स्पीड और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो होती है वो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू म्यू को लिख सकते हो रो इन टू ए और लॉन्गिट्यूनल वेव की स्पीड जो है वो दस गुना है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के ऐसा कह रहे हैं वो ये यंग्स मॉडल है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह लिख सकते हो ई ई दिया है तो इसको हटा के मैं क्या लिख देता हूं यहां पे ई रो से रो कैंसिल आउट स्क्वायर कर देते हैं तो ई इज टू आपका बन जाएगा हंड्रेड टाइम्स टी बाई ए टेंशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया तो अगर आप समझोगे ये है स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया टेंशन पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू आ रही है ई बाई हंड्रेड के बराबर स्ट्रेस ही आपसे पूछा है सो योर आंसर इज डी पार्ट इन रेजोनेंस ट्यूब क्लोज एट वन एंड बाई ए स्मूथ मूविंग पिस्टन एंड द अदर एंड ओपन ठीक है एक रेजोनेंस ट्यूब है वो एक एंड पे तो मूविंग पिस्टन से हमने क्लोज करी हुई है और दूसरा जो एंड है वो ओपन है तो डायग्राम बनाएंगे इस तरह की सिचुएशन है एक हिस्सा तो ये खुला हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है वो एक मूवेबल पिस्टन से हमने बंद किया ये पिस्टन मूव करेगी ये मूवेबल पिस्टन है और ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है और ये जो एंड है ये क्या है आपका ओपन एंड ठीक अब कह रहे हैं एग्जिबिट्स फर्स्ट थ्री रेजोनेंस लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल वन एल टू एंड एल थ्री बाई द सेम ट्यूनिंग फोर एक ही ट्यूनिंग फोर के एक ही फ्रिक्वेंसी है और तीन पहले, पहली तीन रेजोनेंस एल वन एल टू और एल थ्री पे आई है ठीक है उनके बीच में कनेक्शन पूछ रहे हैं तो पहली लेंथ अगर एल वन है ढंग से समझिए अगर पहली लेंथ आपकी एल वन है फर्स्ट रेजोनेंस जब आई तो वो तब होगा जब यहां बनेगा एंटी नोड और ये तो क्लोज एंड है तो यहां तो क्या बनेगा नोड तो ये वो इस तरह से दिखेगा आपको तो यहां से साफ पता लग रहा है कि जो पहली रेजोनेंस आई है उसके लिए जो लेंथ L1 आ रही है वो लेमडा वाई फोर के बराबर हो गई एंड करेक्शन जो है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं ठीक अगला रेजोनेंस कब आएगा तो अगला रेजोनेंस तब आएगा जब ये आपकी पिस्टन कहीं यहां आ चुकी होगी इस तरह से और इस तरह से जो इसमें लूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा ये ये अगली सिचुएशन है तब जो लेंथ है वो L2 है तो L2 जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है थ्री एल बाई फोर के बराबर थ्री लैमडा बाई फोर के बराबर ठीक है वेवलेंथ तो सेम ही है और अगली अगला अगला रेजोनेंस कब आएगा जब पिस्टन और नीचे आ जाएगी और अब इसमें एक लूप और शामिल हो जाएगा तो ये अगला रेजोनेंस बनेगा तो अगले रेजोनेंस के लिए जो एल आएगी वो आपकी आएगी फाइव लैमडा क्लियर ठीक है तो अब हम इक्वेशन चाहें तो लिख सकते हैं तीनों तरफ तीनों से लेंडा बाई फोर निकाल लेते हैं लेमडा वाई फोर एल वन के बराबर यहाँ से लेमडा वी फोर निकालेंगे तो एल टू बाई थ्री के बराबर हो जाएगा थ्री यहाँ से हटा दिया और यहाँ से लेमडा लेमडा वी फोर निकालेंगे तो एल थ्री बाई फाइव के बराबर हो जाएगा फाइव यहाँ से हटा दिया और लैमडा वाई फोर लेमडा वी फोर सब कुछ सेम है तो इसका मतलब एल वन जो है वो किसके बराबर आ रहा है एल टू बाई थ्री के बराबर आ रहा है और वही किसके बराबर आ रहा है एल थ्री बाई फाइव के बराबर आ रहा है तो कौन सा आंसर मैच करेगा देखें जरा एल थ्री इज इक्वल टू एल थ्री निकालनी है एल थ्री को इक्वेट करना है तो एल थ्री के लिए फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फाइव एल वन के बराबर हो जाएगा और फाइव बाई थ्री एल टू के बराबर हो जाएगा सो योर आंसर इज बी पार्ट क्लियर जरा ये चेक करें क्या ये भी ठीक हो सकते हैं माइनस करने वाले टर्म्स ठीक है माइनस करने वाले टर्म्स भी चेक करते हैं ठीक है एक मिनट देखिए माइनस करें तो क्या इक्वेशंस बन सकती हैं देखिए अगर मैं एल थ्री में से एल टू माइनस करूं तो फाइव लेर माइनस थ्री डावाई फोर तो ये टू आ जाएगा और अगर मैं एल टू में से एल वन माइनस करूं तो थ्री माइनस वन ये भी टू आ जाएगा तो अगर माइनस की मैं इक्वेशन बनाऊं, तो इक्वेशन ये बन रही है कि एल थ्री माइनस एल टू जो हो रहा है वही आपका एल टू माइनस एल वन के बराबर आ रहा है ठीक एक और इक्वेशन बनाए अगर मैं सीधे एल थ्री में से एल वन माइनस करूं तो कितना आएगा तो फाइव माइनस वन फोर लेमडा वाई फोर आ जाएगा और एल टू में से एल वन माइनस करें तो टू लेमडा वाई फोर आएगा तो एक इक्वेशन और बन सकती है कि एल थ्री माइनस जो एल वन है वो टू टाइम्स होगा एल टू माइनस एल वन के एक इक्वेशन ये भी बन सकती है बट ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है इसलिए हमारा आंसर सिर्फ क्या बनेगा बी पार्ट थ्री वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैविंग एम्पलीटूड टेन माइक्रोमीटर फोर माइक्रोमीटर एंड सेवन माइक्रोमीटर पॉइंट विद ए सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू मैं बनाऊंगा इसका फेजर डायग्राम तीन वेव है तीनों का एम्पलीट्यूड दिया फ्रिक्वेंसी सेम है और सक्सेसिव फेस डिफरेंस है यानी पहले दूसरे के बीच में पाईवाई टू का फेस डिफ्रेंस है और दूसरे और तीसरे के बीच में भी पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है तो हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम तो पहला ये हो गया दस माइक्रोमीटर का एम्पलीट्यूड दूसरा यह है चार माइक्रोमीटर का एम्पलीट्यूड और तीसरा यह है आपका सात माइक्रोमीटर का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ये तीन फोर माइक्रोमीटर एंड दिस इज सेवन माइक्रोमीटर और सक्सेसिव फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का इनके बीच में, में भी कितना फेज डिफरेंस है पाई बाय टू इसके बीच में भी कितना फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का इस तरह से अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं ए नेट पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है अब तो सॉल्व करना इसको ठीक है ये टेन और सेवन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इन दोनों का नेट बनेगा थ्री इस डायरेक्शन में इन दोनों का नेट बनेगा थ्री जो आप बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में थ्री माइक्रोमीटर और थ्री माइक्रोमीटर और फोर माइक्रोमीटर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट बनेगा फाइव माइक्रोमीटर सो योर आंसर इज सी पार्ट टू वेव्स आर प्रोपोगेटिंग टू ए पॉइंट पी बाई टू सोर्सेज ए एंड बी ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ठीक है सिचुएशन ये कि दो सोर्स है एक सोर्स है ए और एक सोर्स है बी और ए और बी दोनों सोर्स से वेव आ रही है point P के लिए. ठीक एक वेव ए से आ रही है पी के लिए और एक वेव बी से आ रही है पी के लिए ये दो वेव्स आ रहे हैं क्लियर ठीक द एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट पी इज ए दोनों वेव की वजह से जो पी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है वो ए दिया हुआ है एंड द फेज ऑफ ए इज अहेड बाई पाई बाई थ्री देन दैट ऑफ बी बी से बी के रिस्पेक्ट में ए के पास एक्स्ट्रा फेज है कितने का पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री का एक्स्ट्रा फेज है ठीक है यानी जब बी से वेव निकली होगी और जब ए से वेव निकली होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इनिशियली ए की वेव बी से पाई बाई थ्री फेज में आगे है ठीक ये एडिशनल फेज है ए के पास ठीक अब क्या कह रहे हैं एंड द डिस्टेंस ए पी इज ग्रेटर देन बी पी वाई फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है ए जो है वो इसके पास इनिशियल फेज था इनिशियल एक्स्ट्रा फेज था पाई वाई थ्री का बट ए से पी की डिस्टेंस जो है वो बी से पी की डिस्टेंस से फिफ्टी सेंटीमीटर ज्यादा है यानी ये वाली लेंथ बी से ज्यादा है और वो लेंथ पचास सेंटीमीटर है और वेव लेंथ आपको एक मीटर दी है तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ढंग से समझना ये जो पार्ट डिफरेंस है वो आपको लेम डावाई टू के बराबर दिया है लेमडा एक मीटर दिया है और जो डिस्टेंस दी है वो आपको आधा आधा मीटर दी हुई है तो उसका मतलब वो लेमडा बाई टू के बराबर है तो अगर मैं उससे फेज डिफरेंस निकालू उससे कितना एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा तो वो आ जाएगा टू पाई वाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स आप चाहो तो सीधे वैल्यू डाल दो लेमडा बाई टू तो ये पाई का फेज डिफरेंस आ गया अब इंपॉर्टेंट बात यह है जो इसमें समझने वाली है कि ये जो पाई का फेज डिफरेंस है डिफरेंस है ये और बी के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है बिल्कुल ठीक है बट आप ये बताओ कि कौन फेज में पाई आगे है ए आगे है कि बी आगे है। अब यहाँ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाई तो 180 डिग्री होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में आप किसी को भी आगे मान लो आपका आंसर मैच कर जाएगा लेकिन फिर भी आगे के लिए अगर ये आंसर पाई वाई टू होता अगर ये आंसर पाई होता अगर ये कुछ और होता पाई वाई थ्री होता तो वो यहाँ पे बहुत फर्क पड़ जाता ठीक है थीके? तो जब आपको समझना है इंपॉर्टेंट बात हो वो आगे ध्यान भी रखनी है कि जिसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया वो उतना फेज में पीछे हो जाता है अगर ए ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया लैमडाई टू का तो ए से आने वाली बेब पाई से फेज में पीछे हो जाएगी जो जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा वो उतना ही फेज में पीछे हो जाएगा ऐसा मत समझना कि ए ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है तो ए के पास पाई का फेज डिफरेंस और एडिशनल हो जाएगा नहीं ए का फेज जो है वो पाई से कम हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में ए का फेज पाई से कम हो जाएगा ठीक तो ये पाई बाई थ्री एडिशनल उसके पास था लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करने की वजह से अब बी के पास कितना एक्स्ट्रा आ गया पाई ठीक ए का पाई से कम हो गया तो बी का पाई से बढ़ जाएगा तो बी का जो कम ट्रैवल करेगा उसका फेज बढ़ता चला जाएगा जो ज़्यादा ट्रैवल करेगा उसका फेज कम होता चला जाएगा तो इस कम ट्रैवल करने की वजह से बी ने कितना एक्स्ट्रा बी के पास कितना एडिशनल फेज आ गया पाई और ए के पास कितना एडिशनल फेज था पाई बाई थ्री लेकिन वो शुरुआत से था ठीक तो अब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा तो वो फेज़ बी का ज़्यादा है तो फाई बी माइनस फाइव ए एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री और वो आपका आ रहा है टू पाई बाई थ्री ये आएगा फेस डिफरेंस क्लियर अब आपसे पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो तो आपको फेस डिफरेंस पता लगी क्या है? और ए और ए दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड थे तो नेट एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया तो नेट एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए ए कॉस टू पाई बाई थ्री टू बाई थ्री होता है माइनस हाफ तो ये बनेगा ये वाला टर्म बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्र कैंसिल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका ए के बराबर ही आ जाएगा सो योर आंसर इज डी पार्ट क्लियर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव रिप्रेजेंटेड बाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं ठीक है तो बहुत ही आसान होता है अगर कहीं इक्वेशन इस फॉर्मेट की वाई टू ए साइन ओमेगा टी या ए साइन थी टाइसाइन ओमेगाटी प्लस बी कॉस ओमेगाटी इस फॉर्मेट की इक्वेशन है तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जो वाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉफिशियट ऑफ साइन का जो कॉफिशियट होगा उसका स्क्वायर प्लस कॉस का जो कॉफिशियट होगा उसका स्क्वायर और पूरे का हम अंडर रूट चढ़ा देंगे तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसका एम्पलीट्यूड बनेगा तो कितना आ जाएगा इस केस में हमारा अंडर रूट ऑफ वन बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर तो वन बाई ए प्लस वन बाई बी आप चाहो तो अंडर रूट ए बी एलसीएम ले सकते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए बी सॉरी अंडर रूट के अंदर ही लिखना है आपको अंडर रूट के अंदर ही पूरा लिखना है तो ये आपका इस एलसीएम लोग ए बी और ऊपर क्या आ जाएगा वी प्लस ए यानी ए प्लस बी सो योर आंसर इज डी पार्ट क्लियर ये बनेगा उसका एम्पलीट्यूड एक स्टेशनरी वेव है स्ट्रिंग में उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है टू मिलीमीटर मीटर उसका एम्पलीट्यूड होगा साइन सिक्स पॉइंट टू फाइव मीटर इनवर्स एक्स इंटू कॉस ओ टी दिस स्टेशनरी वेव इज क्रिएटेड बाई टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ एम्पलीटूड ई ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो आपको पहले तो ए की वैल्यू पूछिए तो बहुत आसान होता है जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये वाला टर्म टू ए होता है तो टू ए आपको जो दिया है वो टू मिलीमीटर मीटर दिया है इसका मतलब इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ए वो आपका होगा वन मिलीमीटर तो वो तो आंसर मैच करेगा नहीं ना ए मैच किया ना बी मैच किया अब जरा आगे समझते हैं द द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए तो स्मॉलेस्ट लेंथ कम से कम इतना तो होनी चाहिए कि स्टेशनरी वेव का एक लूप बन जाए यानी स्मॉलेस्ट लेंथ कम से कम आपको लेमडा बाई टू के बराबर तो चाहिए ही चाहिए तो लेमडा कहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे ये ये दिया है के होता है होता टर्म तो ये यह के दिया है के जो दिया है वो आपको दिया है सिक्स पॉइंट टू फाइव के की वैल्यू होती है टू पाई बाई ले तो ये दिया आपको 6.25, पॉइंट टू फाइव टू सिक्स होता है और ये 6.25 पॉइंट टू फाइव है मैं फिर भी लगभग बराबर कर दे रहा हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेमडा जो आपका आया वो लगभग एक मीटर आ गया लेकिन मिनिमम लेंथ होती है लेमडा बाई टू तो लैम्डा बाई टू आपका आ जाएगा आधा मीटर मतलब कम से कम पचास सेंटीमीटर की तो आपको लेंथ चाहिए सो योर आंसर इज सी पार्ट पाइप क्लोज एट वन एंड प्रोड्यूसेज ए फंडामेंटल नोट ऑफ 512 हंड्रेड ट्वेल्ल हर्ज एक एंड पे बंद है फंडामेंटल नोट पांच सौ बारह हर्ज का है ठीक तो एक एंड पे जब बंद होता है तो फंडामेंटल नोट होता है वी बाई फोर एल और ये आपको दिया है चार सौ बारह पांच सौ बारह नहीं चार सौ बारह हर्ज इट इज कट इन टू टू पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ बराबर लेंथ के दो हिस्सों में काट दिया हमने उसको द फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाई द टू पाइप बराबर लेंथ में काट दिया है तो इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली यह है कि ये था क्लोज पाइप एल लेंथ का और इसको दो बराबर लेंथ में जब आप काटोगे इस तरह से तो एक पाइप आधी लेंथ का बनेगा ओपन पाइप और दूसरा जो आधी लेंथ का पाइप बनेगा वो बनेगा क्लोज पाइप इस तरह से बनेगा लेंथ आधी हो गई है इसकी लेंथ भी आपकी एल बाई टू है इसकी लेंथ भी एल बाई टू है लेकिन एक बन रहा है ओपन पाइप और एक बन रहा है क्लोज पाइप तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी लिखेंगे तो वी बाई टू एल होती है और एल की जगह डालोगे एल बाई टू ठीक है ओपन पाइप की जो फंडामेंटल नोट होता है वो क्या होता है एल बाई टू तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया अभी कितना आएगा तो ये v by L आप पूछ रहे हो कितना आएगा तो इसमें फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वन सिक्स फोर एट हर्च ये तो आ गया आपका ओपन पाइप का अब जरा इसका निकालते हैं तो इसकी फंडामेंटल कितनी होगी यहीं लिख देते हैं चलो इसकी फंडामेंटल कितनी होगी तो ये हो जाती है ये होती है वी वाई फोर एल लेकिन एल की जगह क्या डालोगे एल बाई टू तो टू से कैंसिल करेंगे तो ये आपकी आ गई वी बाई टू एल और वी बाई टू एल्व कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर सो योर आंसर इज ए पार्ट एक की आएगी आठ सौ चौबीस और एक की आएगी सोलह सौ अड़तालीस इन ए रेजोनेंस कॉलम टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑप्टेंड एट ए डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट रेजोनेंस पूछ रहे हैं कहाँ पे ऑप्टेन होगी ठीक है दो सक्सेसिव रेजोनेंस अब वो फंडामेंटल और फर्स्ट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उनमें गैप जो है इनमें जो गैप है वो आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर का है ठीक है तो ट्वेंटी सेंटीमीटर जो होगा वो डेफिनेटली आपका लेमडा बाई टू ही होना चाहिए क्योंकि अगर आपको ट्यूब के बारे में पता हो तो पहला रेजोनेंस ये आता था अगला रेजोनेंस ये आता था अगला रेजोनेंस ये आता था यानी हर दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस में जो लेंथ का इंक्रीमेंट होता है वो लेमडावाई टू के बराबर होता है तो, तो ट्वेंटी सेंटीमीटर आपको लेमडावाई टू हो गया हर बीस सेंटीमीटर के बाद अगला रेजोनेंस मिलेगा इसका मतलब ठीक है तो पहला रेजोनेंस आपको पहला नहीं कह सकते पहला नहीं कह सकते जो भी होगा जैसा भी रेजोनेंस होगा अगर एक रेजोनेंस तीस पर मिला एक रेजोनेंस पचास पे मिला तो अगला रेजोनेंस कितने में मिलेगा आपको सत्तर सेंटीमीटर पर ही मिलेगा इसमें एंड करेक्शन कुछ रहा होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है हमें बस ये पता है दो सक्सेसिव रेजोनेंस के बीच का जो गैप होता है जो लेंथ का डिफरेंस होता है वो लेमडा बाई टू के बराबर होता है और वो बीस सेंटीमीटर है तो हर बीस सेंटीमीटर आप एड करते जाओगे आपको अगला रेजोनेंस मिलता जाएगा सो योर आंसर इज सी पार्ट फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के बराबर है तो इससे आप इनकी लेंथ जो है वो बता सकते हो ठीक है तो फर्स्ट ओवरटोन जो क्लोज ऑर्गन पाइप की कितनी होगी तो वो जाएगी थ्री टाइम्स वी बाई फोर एल वन एल सी कह देता हूं ये क्लोज पाइप की लेंथ है और यही किसके बराबर है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन टू टाइम्स वी बाई टू एल ओ ये ओपन पाइप तो ये वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से एक चीज पता लगी आपको कि जो एल सी है आपका वो थ्री बाई फोर टाइम्स एल ओ है ये क्वेश्चन आपको पता लग गई वन अब क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं एनथ हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू एमथ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ठीक है एनथ हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या होगा तो वो बन जाएगा एन टाइम्स वी बाई फोर एल सी ये एनथ हारमोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप का और ये है एमथ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप यानी एम टाइम्स वी अपॉन टू एल ओ तो एन और एम का रेश की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे आप ठीक है वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो एन अपॉन एम जो आएगा आपका वो आपका आ रहा है फोर ये टू से भी कैंसिल कर सकते हैं इसको टू टाइम्स तो ये आपका आएगा टू से कैंसिल किया इसको टू टाइम्स तो ये आया आपका टू एल सी अपॉन एल ओ एल सी कितना है थ्री बाई फोर एल ओ के बराबर है तो टू टाइम्स थ्री बाई फोर तो ये आपका आ गया थ्री बाई टू तो आंसर थ्री बाई टू भी हो सकता है थ… एक थ्री एक टू हो सकता है और क्या क्या आंसर हो सकते हैं सिक्स और फोर भी आंसर हो सकता है इंटीगर मल्टीपली होंगे आपका नाइन और सिक्स भी आंसर हो सकता है सारे आंसर हो सकते हैं ये ठीक तो थ्री और टू तो आंसर मैच किया नहीं सिक्स और फोर आंसर वो भी नहीं मैच कर रहा नाइन और सिक्स नाइन और सिक्स मैच कर गया सो योर आंसर इज सी पार्ट इस सिलेंड्रिकल रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स हैज़ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर एयर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है तो so एफ आपका आ जाएगा वी बाई टू एल के बराबर एफ आपका आ गया वी बाई टू एल के बराबर ओपन एट बोथ द एंड्स ठीक वी बाई 2l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब कह रहे हैं आधी लेंथ को वर्टिकली डिप करके पानी में डिप कर दिया अब आप आधी लेंथ को अगर पानी में डिप करोगे अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये इस तरह से सिचुएशन है आधी लेंथ को आपने पानी में डिप कर दिया इस तरह से तो इससे दो चीजें दो चीजों पर फर्क पड़ा पहली बात एक तो लेंथ आधी हो गई अब जो लेंथ है वो एल बाई बची दूसरी बात ये क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया अभी तक ये ओपन ऑर्गन पाइप था अब अब क्या बन गया ऑर्गन पाइप? एल बाई टू हो चुका है तो ये भी घूम फिर वही आ गया बी बाई टू एल यानी अब भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो पुरानी वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है क्लियर so सी फाइव हंड्रेड ट्व हर्ज वेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर द माउथ रेजोनेंस ट्यूब ऑफ एडजस्टेबल ठीक है लेंथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो आप उसकी कम ज्यादा कर सकते हो द फर्स्ट टू सक्सेसिव पोजिशन ऑफ रेजोनेस अकर वेन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम जो लेंथ दी है एयर कॉलम की वो आपको दी है एल वन 15.4 सेंटीमीटर पहला रेजोनेंस तब आया और दूसरी लेंथ जो L2 है वो दिए 48.6 सेंटीमीटर ठीक और साफ पता लग रहा है कि ये इसका तीन गुना तो नहीं है इसका मतलब इसमें एंड करेक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा तो जो पहली लेंथ होती है ढंग से समझिए मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ इसमें देखिए जैसे मान लिया ये रेजोनेंस ट्यूब है और ये पानी का लेवल था और यहां पे पहला रेजोनेंस हुआ ठीक है तो फर्स्ट रेजोनेंस कुछ इस तरह से हुआ होगा इसकी लेंथ ये आपको दी एल वन तो एल वन और ये एंड करेक्शन ये दोनों एड होके लेमडा बाई फोर के बराबर होंगे यानी पहली इक्वेशन बनेगी एल वन प्लस ई इज इक्वल टू लेमडा बाई फोर यह पहली इक्वेशन बनेगी जब दूसरा रेजोनेंस होगा तो उसमें एक लूप और एड हो जाएगा और टोटल ये लेंथ हो जाएगी आपकी एल टू तो दूसरे के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एल टू प्लस ई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स लेमडा बाई फोर और अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहां इधर तो आएगा एल टू माइनस एल वन सेकेंड अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट किया हमने और इधर आ जाएगा लेमडा बाई टू तो यहां से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो वेवलेंथ आपकी आ गई टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन और इस वेव लेंथ में अगर हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी वेव की वेलोसिटी तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बस उसी फॉर्मेट में लिखना है क्योंकि आंसर में किसी किसी में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया है तो ये आ जाएगा टू और फ्रीक्वेंसी थी आपकी 512 सौ हर्ज और L2 टू माइनस एलवन यानी फोर्टी एट पॉइंट सिक्स माइनस फिफ्टीन पॉइंट फोर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में सारे आंसर लिखे हुए हैं और कहीं कोई आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा आपका हजार चौबीस तो आपका आंसर बनने वाला है बी पार्ट क्लियर तो कई बार ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार एंड करेक्शन कंसीडर करना है कई बार एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करना है अगर एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करना होता तो सीधे सीधे ये वाली जो लेंथ होती है इसकी तीन गुना होती थ्री टाइम्स हो गई होती क्योंकि तो पहली लेंथ होती लैंडा वाई फोर दूसरी लेंथ होती है थ्री लैमडा वाई फोर तो ये सीधे सीधे तीन गुना हो गई होती अब जैसे ये मुझे मैंने देखा कि ये एल टू एल वन का तीन गुना नहीं है इसका मतलब यहाँ पे एंड करेक्शन कंसिडर करना है ठीक है तो हमने आराम से दोनों इक्वेशन बनाई वहाँ से लैंडा निकाला फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और आपको वेव की वेलोसिटी मिल गई क्लियर इन्हें रेजोनेंस ट्यूब द फर्स्ट रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फोर अकर सेंटीमीटर एंड सेकेंड एट फोर्टी नाइन सेंटीमीटर अब आप यहाँ खुद समझ लीजिए पहली आई सोलह सेंटीमीटर पर दूसरी आई फोर्टी नाइन क्या ये फोर्टी नाइन सिक्सटीन का थ्री टाइम्स होता है थ्री टाइम्स तो फोर्टी एट होता है इसका मतलब ये है कि एंड करेक्शन आपको कंसिडर करना है ठीक है तो पहली क्वेश्चन क्या बनती है वो होती है एल वन प्लस ई इज टू लेमडा बाई फोर दूसरी इक्वेशन क्या बनती है एल टू प्लस ई इज इक्वल टू थ्री लेमडा बाई फोर जब हम दोनों को माइनस करते हैं जब हम दोनों को माइनस करते हैं तो लेमडा बाई टू जो है वो एल टू माइनस एल वन के बराबर आता है और इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन ये बन गया लेमडा फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेव वेलोसिटी अपॉन लेमडा वेव वेलोसिटी कितनी दी है तो वो दिए थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड और लैमडा आया टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन फोटी नाइन माइनस सिक्सटीन एंड इट इज थर्टी थ्री सेंटीमीटर थर्टी थ्री सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट थ्री थ्री तो पॉइंट हटाएंगे दो जीरो और लगा लेंगे तो यह आपका आ जाएगा पांच सौ हर्ट सो योर आंसर इज ए पार्ट टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ हंड्रेड हर्ट दोनों आइडेंटिकल है दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो सौ हर्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटें गिटार कुछ भी हो सकती है अगर टेंशन को हमने एक में चार परसेंट से बढ़ाया और फिर से दोनों एक साथ को दोनों को एक साथ बजा दिया गया तो बीट्स पूछ रहे हैं कितनी होगी ठीक है तो समझना है जो फ्रिक्वेंसी होती है अगर फंडामेंटल माने तो वन बाई टू एल अंडर रूट टी बाई मू होती है अब यहां से साफ पता लग रहा है कि अगर आपने टेंशन को चार परसेंट से बढ़ाया तो फ्रिक्वेंसी दो परसेंट से बढ़ जाएगी यानी पहले फ्रीक्वेंसी थी हर्ट्ज़ और एक में आपने टेंशन को चार परसेंट से बढ़ाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी दो परसेंट से बढ़ के उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक सौ दो हर्ट्स अब दोनों को एक साथ अगर बजाएंगे तो आपको दो बीट्स पर सेकेंड सुनाई देगी सो बीट फ्रीक्वेंसी इज टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज टू ए ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसी फोर एट्टी हर्ट प्रोड्यूस टेन बीट्स पर सेकेंड ट्यूनिंग फोर के चार सौ अस्सी है उसकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और वो दस बीट प्रोड्यूस कर रहा है यानी जिसके साथ भी वो बजाया जा रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी या तो दस ज्यादा है या दस कम है वैन वाइब्रेटिंग विद ए विद्रेटिंग वेन साउंडेड वाइब्रेटिंग सोनोमीटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग सोनोमीटर स्ट्रिंग उसके साथ हम बजा रहे हैं ठीक है जरा समझिए ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी है आपकी चार सौ अस्सी हर्ज तो सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी या तो दस ज्यादा होगी या दस कम होगी या तो चार सौ नब्बे हर्ज होगी सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी या फिर चार सौ सत्तर हर्ज होगी ठीक अब क्या कह रहे हैं वर्ड मस्ट वि द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इफ ए स्लाइट इंक्रीज इन टेंशन प्रोड्यूस मोर बीट्स टेंशन बढ़ाने से बीट्स बढ़ रही हैं तो आप समझिए टेंशन बढ़ाने से सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी बढ़ने से बीट्स बढ़नी चाहिए तो जरा ट्राई करते हैं दोनों में से कौन सा होगा अगर मान लिया सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी ये हो चार सौ सत्तर हट और अगर मैं इसकी इसकी टेंशन बढ़ाकर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँ थोड़ा सा बढ़ाऊँ फ्रीक्वेंसी इसकी तो अब आप बताइए बीट्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं तो बीट्स कम हो रही है इनके बीच का गैप कम हो रहा है मान लीजिए जैसे चार से बढ़ा के मैंने चार कर दी थोड़ा सा टेंशन बढ़ाया थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई चार सौ हो गई अब आप बताइए चार के साथ बीट्स बढ़ेगी कम हो गई बीट्स कम हो गई तो ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि वो कह रहे हैं ज़्यादा बट्स सुनाई दे रही हैं अब जरा चार को ट्राई करते हैं इसकी मैंने टेंशन बढ़ाया तो इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गई ठीक है अब इसकी ये नई फ्रिकुएंसी हो गई मान लिया 492 हो गई अब आप बताइए फोर एट्टी के साथ बीट्स बढ़ेंगी कम हो रही बढ़ रही है बीट्स होता है इनका गैप ये गैप बढ़ रहा है पहले गैप ये दस हर्ट का था अब ये गैप बारह हर्ट्स का हो गया इसलिए सोनोमीटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी चार सौ नब्बे हर्ट योर आंसर इज डी पार्ट द डायग्राम शोज एंड इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ ए स्ट्रिंग एट ए ट्रांस एज ए ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट है और वेव इस तरफ जा रही है ठीक है अब सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ रहे हैं वन टू थ्री की ठीक है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे समझ लीजिए एक बार मैं यहां आपको समझा देता हूँ जैसे मान ली स्ट्रिंग है और ये एक वेव है ये इस तरह से मान लीजिए इस तरफ मूव कर रही है और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला पार्टिकल बताइए ये, ये वाला जो पार्टिकल है ये कहाँ जा रहा होगा तो मुझे उस पार्टिकल के पीछे देखना है कि पीछे क्या आ रहा है तो पीछे आ रही है पीक वैल्यू इसका मतलब ये पीक की तरफ जाएगा ठीक है थोड़ी देर के बाद ढंग से समझिए थोड़ी देर के बाद ये जो टॉप मोस्ट पोजिशन है जो टॉप मोस्ट पोजिशन है ये यह यहां से यहां पहुंचेगी तो टॉप मोस्ट पोजिशन थोड़ी ना वहां पहुंचेगी इस पार्टिकल को ऊपर जाना पड़ेगा तो हर पार्टिकल अपने पीछे वाली पोजिशन को देखेगा कि वहां पर क्या आ रहा है अगर पॉजिटिव मैक्सिम आ रहा है तो इसको पॉजिटिव की तरफ भागना होगा अगर मीन पोजिशन आ रही तो तो ये मीन पोजिशन की तरफ भागेगा अगर निगेटिव मैक्सिमा आ रहा है तो ये निगेटिव मैक्सिमा की तरफ भागेगा जैसे मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये बताइए ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा तो इस वाले पार्टिकल के पीछे क्या आ रही है मेन पोजीन तो ये कहाँ भागेगा ये भागेगा आपका मीन पोजिशन की तरफ अगर मैं पूछूं ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा तो इसके पीछे आ रहा है इसके पीछे अगर आप पीछे कैसे पता लगेगा ये पीछे क्योंकि वेव इधर जा रही है वेव इधर जा रही है तो इसके पीछे वाली चीज़ हो गई ठीक है तो इसके पीछे आ रहा है नेगेटिव मैक्सिमा तो ये वाला पार्टिकल कहाँ भाग रहा होगा निगेटिव मैक्सिमा की तरफ भाग रहा होगा

ये वन वाला पार्टिकल है वन के पीछे क्या आ रहा होगा तो इस स्ट्रिंग को अगर हम कंप्लीट करें तो ये इस तरह से वन के पीछे मीन पोजिशन आ रही तो ये कहां भागेगा नीचे की तरफ भागेगा क्लियर तो वन जा रहा है नीचे की तरफ टू जा रहा है ऊपर की तरफ और थ्री जा रहा है नीचे की तरफ नीचे ऊपर नीचे सो योर आंसर इज डी पार्ट टू सोर्सेज ए एंड बी आर साउंडिंग नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स एट्टी लिसनर मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड वट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ यू सो दैट ही हियर्स टेन बीट्स पर सेकेंड समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक सोर्स है ए और एक सोर्स है बी दोनों की एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो है वो बराबर है छ सौ अस्सी हर्ज इसकी भी कितनी है छ सौ अस्सी हर्ज और एक पर्सन जो है उनके बीच में कहीं खड़ा है और ये भाग रहा है ए से बी की तरफ

ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भाग रहा तो यहां लिखेंगे 340 फोर्टी प्लस यू ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम कितनी सुनाई देगी तो वो होगी 680 एटी इंटू थ्री फोर्टी माइनस यू अपॉन थ्री और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही होंगी नंबर ऑफ बीट्स और वो आपको दे रहे हैं टेन सॉल्व करते हैं अब हम इसको आराम से तो 340 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स टू टाइम्स 340 से कैंसिल करेंगे टू टाइम्स ठीक है टू अगर हम एलसीय लें तो ये थ्री फोर्टी कैंसिल आउट हो जाएगा कि अंदर 2 यू बचेगा और वो आपका आ रहा है टेन तो यू आपका आया 2.5 मीटर पर सेकेंड यानी वो पर्सन जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए से बी की तरफ मूव कर रहा होगा बी पार्ट ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 पॉइंट फाइव के जी इज अंडर टेंशन ऑफ टू हंड्रेड न्यूटन एक स्ट्रिंग है उसका मास दो सौ न्यूटन का टेंशन है मास हुआ है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग में अगर हम कोई जर्क कोई पल्स प्रोड्यूस करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी टेंशन कितना है टेंशन है दो सौ न्यूटन और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ तो मास था 2.5 मीटर और लेंथ थी 20 मीटर तो ये अपॉन 20 करेंगे 20 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा तो ये एट टाइम्स डिवाइड होगा तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ सोलह मीटर सोलह सो ये आपका आ जाएगा फोर्टी मीटर पर सेकेंड ये वेव की वेलोसिटी मिल गई अब कह रहे हैं इफ ए ट्रांसफर जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग उसके एक एंड पे हमने एक जर्क प्रोड्यूस किया एक जर्क प्रोड्यूस किया है ठीक है द डिस्टर्बेंस विल रीच द अदर एंड दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो 20 मीटर की डिस्टेंस है 40 की स्पीड से जा रहा है तो आधे सेकंड में पहुंच जाएगा सो योर आंसर इज बी पार्ट क्लियर अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है लेंथ है सोनोमीटर वायर की 110 सेंटीमीटर कह रहे हैं दो ब्रिजेस कहां रखे हम ए से पूछ रहे हैं तीन सेगमेंट में ताकि डिवाइड हो जाए और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वन टू थ्री रेशियो में आ जाए तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और लेंथ का रेशियो पहले डायग्राम बना लेते हैं ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके मान ली आपने यहाँ पे दो ब्रिज रखे एक ब्रिज आपने यहाँ रखा और एक ब्रिज आपने यहाँ रखा तो ये तीन लेंथ में डिवाइड हो गया एक की लेंथ क्या देते हैं L1, एक की लेंथ क्या देते हैं L2 और एक की लेंथ क्या देते हैं L3। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, इसकी F2 और इसकी F3। थ्री तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और लेंथ में रिलेशन क्या होता है तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वी बाई टू एल यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर फ्रिक्वेंसी का रेशियो वन टू थ्री दिया हुआ है तो लेंथ का जो रेशियो आएगा एल वन इज टू एल टू इज टू एल थ्री वो आपका थ्री टू वन नहीं हो जाएगा वो होगा वन अपॉन वन इज टू वन अपॉन टू इज टू वन अपॉन थ्री ये जो कंसेप्ट होता है जैसे मान लिया अगर ये दो पार्ट में होता है कि फ्रिक्वेंसी का रेशियो फोर इज टू सिक्स दिया है तो लेंस का रेशियो सिक्स इज टू फोर हो जाएगा बिल्कुल सही है ये क्योंकि ये दो पार्ट में है अगर यही पार्ट तीन पार्ट में होती तो आप उल्टा नहीं कर सकते इसको तो इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा वन बाई वन इस टू वन बाई टू इज टू वन बाई थ्री अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्ट करने के लिए सही करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आया सिक्स इस टू थ्री इज टू टू अब बताइए अगर मैं इसको उल्टा करता तो थ्री टू वन आ जाता क्या ये थ्री टू वन है बिल्कुल नहीं है तो ये रेशियो हो गया टोटल लेंथ कितनी है 110 सेंटीमीटर ठीक तो पहली लेंथ कितनी आ जाएगी तो आ जाएगी सिक्स अपॉन टोटल टोटल है इलेवन इंटू एक तो पहली लेंथ आपकी आ गई साठ सेंटीमीटर यानी पहली जो पोजीशन है एंड ए से कितनी डिस्टेंस पर हम रखेंगे उसको 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे अब दूसरी लेंथ निकालेंगे फिर दूसरी की पोजीशन निकालेंगे तो दूसरी लेंथ आपकी आएगी 3 अपॉन इलेवन इंटू वन सो इट इज 30 सेंटीमीटर यानी दूसरे ब्रिज की जो दूसरी जो लेंथ है गैप ये गैप थर्टी सेंटीमीटर है तो ए से डिस्टेंस कितनी आई ए से डिस्टेंस आपसे पूछिए तो ये आ जाएगी नाइन्टी सेंटीमीटर ब्रिज की लोकेशन फ्रॉम ए इट इज नाइन्टी सेंटीमीटर सो योर आंसर इज सिक्सटी सेंटीमीटर एंड नाइन्टी सेंटीमीटर सी पार्ट